तो अगर आपकी इनकम 10,000 रुपीज पर मंथ है तो आपके जो खर्चे होंगे, आप जो कंजम्पशन करोगे वो 10,000 के हिसाब से करोगे, राइट? हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो हमने सीरीज बनाई है पास्ट ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए उन टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे एलएम कर्व की, ठीक है? और एलएम कर्व का वीडियो हम दो पार्ट्स में बनाएंगे। आज के पार्ट में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे दैट व्हाट एक्चुअली एलएम कर्व इज, इससे रिलेटेड कुछ बातें, और नेक्स्ट पार्ट में इसको कंक्लूड कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में लगभग हर बार आता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी गाइस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एलएम कर्व, तो इसमें एल, ओके, एल स्टैंड्स फॉर, इन एलएम कर्व एल स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस, राइट? What is the meaning of liquidity preference? Liquidity preference का मतलब होता है demand to hold cash, cash hold करने की demand, okay? So it is actually demand for cash. Whereas M means money supply, ठीक है ना? M means money supply. तो L deal कर रहा है कैश को होल्ड करने की डिमांड से, एम डील कर रहा है मनी सप्लाई से। दैट मींस हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि एलएम कर्व जो है दैट इज गोइंग टू डील विद मनी मार्केट, ठीक है ना? एलएम कर्व कहां पे वैलिड रहेगा? मनी मार्केट के लिए कर्व है ये, मनी मार्केट में वैलिड रहेगा। ओके, एंड एलएम कर्व इज गोइंग टू टॉक अबाउट, ये किसके बारे में बात करेगा? इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए आगे बात करते हैं। सो सी गाइस, अगर हम मनी डिमांड की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट मनी डिमांड, और आगे मैं मनी डिमांड को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, सो मनी डिमांड can be of several types. There can be transactional money demand, है ना? अब transactional money demand क्या होती है? Transactional money demand का मतलब होता है कि आपको रोजमर्रा के जो खर्चे करने हैं, आप जो पैसा स्पेंड करना चाह रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, यू नीड मनी, यस और नो? So that is transactional money demand, money required for transactions. Understood? So first is your transactional money demand. Second is speculative money demand. Speculative money demand का मतलब क्या होता है? See guys, ये जो word speculative है, that comes from the word speculation. Speculation मतलब आप stock market का example ले लीजिए। Stock market में क्या होता है? Speculation होता है कि इस share के rates आज rise करेंगे, इस share के rates आज decline करेंगे, ये speculations है market के। मतलब स्पेक्यूलेटिव मनी डिमांड का मतलब है जब आप इन्वेस्ट करने के लिए पैसा की रिक्वायरमेंट करते हो, इन्वेस्ट करने के लिए मनी की डिमांड करते हो, दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेटिव मनी डिमांड, डिमांड फॉर द इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टूड? एंड थर्ड टाइप ऑफ मनी डिमांड इज प्रिकॉशनरी मनी डिमांड, ओके? What do we mean by precautionary money demand? तो ये बात तो बहुत क्लियर होगी, आपने घर में भी सुना होगा कि पैसे सेव किया करो, क्यों? बुरे समय के लिए, फॉर इमरजेंसी। हम सब लोग कुछ ना कुछ पैसा सेव करते हैं क्योंकि हमें कल नहीं मालूम फ्यूचर में क्या होगा, तो कोई इमरजेंसी अराइज कर जाए, कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ जाए, उसके लिए हम सेविंग करते हैं, राइट? तो यही है प्रिकॉशनरी मनी डिमांड। फाइन, ये तो जनरली मैंने आपको बता दिया कि मनी डिमांड के ये टाइप्स होते हैं, बट सी अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स ने जो बात करी है, कीन्स ने बात करी है सिर्फ दो तरह की मनी डिमांड की,
he talked about transactional money demand and speculative money demand. ठीक है, कीन्स ने बात करी है ट्रांजैक्शनल मनी डिमांड की और स्पेक्युलेटिव मनी डिमांड की. तो जरा देखते हैं कीन्स ने इन दोनों के बारे में क्या है, कहा है और एक एक करके इनको समझते हैं. सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रांजैक्शनल मनी डिमांड की. तो समझिएगा, बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है. आपकी मान लीजिए इनकम है 10,000 रुपीज पर मंथ. तो अगर आपकी इनकम 10,000 रुपीज पर मंथ है तो आपके जो खर्चे होंगे, आप जो कंजम्पशन करोगे वो 10,000 के हिसाब से करोगे, राइट? लेकिन जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है 10,000 से 15,000 हो जाती है तो क्या होता है, अब आपका खर्चा और बढ़ जाता है, आप और ज्यादा कंजम्पशन करने लगते हो, 15,000 के हिसाब से करने लगते हो. आप 20,000 के हो जाओगे तो फिर आप वैसा कंजम्पशन करोगे. कहने का मतलब यह है कि ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी इंक्रीजेस विद इनकम. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी, पैसे खर्च करने के लिए जो आपको मनी चाहिए, पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, वो बढ़ता चला जाएगा, राइट? सो योर ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम. जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज कर जाएगी वैसे वैसे आपकी ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना? ये तो हो गई ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी की बात. दूसरे तरह की मनी डिमांड जो मैंने आपको बताई, जो कीन्स ने डिस्कस करी, वो है स्पेक्यूलेटिव मनी डिमांड. अब जरा इस बात को समझिएगा, जब हम स्पेक्यूलेशन की बात करते हैं तो कीन्स ने इसको एक बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट से समझाया है. कीन्स ने कहा है कि मान लीजिए आपके पास दो चीजें हैं, एक तो बैंक्स हैं और एक है आपका बॉन्ड मार्केट, ठीक है? आप बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. और बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है. गवर्नमेंट जो है अपने जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालती है, बॉन्ड है, उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, यानी आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो और गवर्नमेंट पर एनम या 6 मंथली आपको उस पर इंटरेस्ट पे करती है, समझे? सो सी गाइस, बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मोर और लेस कॉन्स्टेंट रहता है. इतना ज्यादा उसमें स्पेक्यूलेशन या चेंज नहीं आता है. लेकिन जो बैंक आपको सेविंग करने पे इंटरेस्ट देता है वो चेंज हुआ करता है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो कीन्स बात कर रहे हैं, जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं तो बैंक की बात कर रहे हैं कि जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तब आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. तो अगर बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, 2-3% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं आपके सेविंग अकाउंट में, तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है इस टाइम, तो आप क्या करोगे? क्या अपना पैसा उठा के बैंक के सेविंग अकाउंट में डालोगे? नहीं, आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे. और कीन्स अभी सिर्फ एक मार्केट की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, वो है बॉन्ड मार्केट. तो जब यहां पे बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा तो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाएगा, बताइए हाँ कि ना, राइट? और अगर आपको बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देने लगे, यहां पे बॉन्ड मार्केट में आपको 6% मिल रहा था, मान लीजिए बैंक आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे, तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे बॉन्ड मार्केट में? बहुत कम इन्वेस्टमेंट होगा बॉन्ड मार्केट में, आप सेविंग में जाके इन्वेस्ट कर दोगे, यस और नो? सो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है. इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक इनवर्स रिलेशन हो गया, राइट? और यहां इन्वेस्टमेंट से हम किसकी बात कर रहे थे? स्पेक्युलेटिव डिमांड की. सो दैट इंप्लाइज दैट स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? ये दो कॉन्सेप्ट आ गए हमारे पास, ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई.
सो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको मैंने दोनों तरह की मनी डिमांड जो कीन्स ने डिस्कस करी थी आपको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट वीडियो में हम LM कर्व को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर गाइज आपको कोई और डाउट हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। थैंक यू।